देखो ऑन क्यों रखते हो सर, डायरेक्ट यहाँ से वीडियो ठीक है। चलिए बैठ जाइए। आज हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है ना, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी हायरार्की। ठीक है, मेमोरी हायरार्की बस पाल लो मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की देखिए, डिफरेंट टाइप का मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा। देखो हार्ड डिस्क के बाद आपका रैम, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी रजिस्टर और फिर रजिस्टर। ठीक है, इतने लेवल का मेमोरी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। ठीक है, तुम बताओ जी, मैग्नेटिक टेप किस टाइप का एक्सेस प्रोवाइड करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस? मैग्नेटिक टेप मास्क क्या हुआ तुम्हारा, मास्क लगाओ जी, सिक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस? सिक्वेंशियल है सर। मैग्नेटिक टेप आपका एसएसडी है, मैग्नेटिक टेप इज डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। हार्ड डिस्क जो होता है, यहाँ पे हार्ड डिस्क डायरेक्ट बीएसडी कर दो, बीएसडी इसे क्या है दोनों को देखो, एसएसडी हो गया एसएसडी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। एसएसडी क्या हुआ, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, एंड डीएसडी क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक टेप कैसा होगा, एसएसडी, एंड हार्ड डिस्क कैसा होगा, डीएसडी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है। अब देखो एक चीज होता है, लिख लिए, लिख लिख लीजिए आपको फिर आगे मिटाएंगे। एक नया मेमोरी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर, फ्लिप फ्लॉप आज, उसके पहले ऐसे बता देते हैं फ्लिप फ्लॉप। हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी, रैम प्राइमरी मेमोरी होगा। सिंटू सर पढ़ा रहे थे,
लिख लीजिए, लिख लीजिए जो नहीं। एक्सक्यूज मी सर, कुछ पूछ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? पूछे सर, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो होगा सर, वो सेम होता है डायनेमिक डायरेक्ट वाले से या फिर डिफरेंट होता है सर? नहीं नहीं, वो रैंडम एक्सेस होता है, ठीक है। रैम जो है रैंडम एक्सेस होता है, रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रैम को बोलते हैं फिजिकल मेमोरी भी हम लोग। yes. क्या बोलते हैं? फिजिकल मेमोरी। इसको एक्सेलरेटर ना, और इसको हार्ड डिस्क जो हुआ, देखो सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी। जैसे ओएस में हम लोग पढ़े थे, प्राइमरी मेमोरी में जिस स्पेस पे प्रोसेस रन करता है उसको बोलते हैं पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। और सेकेंडरी मेमोरी में जिस स्पेस पे रन करता है उसको क्या बोलते हैं? एलएस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, यानी प्रोसेस रन करता है, प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो वो प्रोसेस को लाया जाता है एलएस से पीएस पे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कहां लाया जाता है? फिजिकल एड्रेस स्पेस। इसको, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग। लोडिंग दो तरीके का होता है, लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। आप लोग लैंग्वेज में भी पढ़ते हो, एक कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और एक रन टाइम होता है उसको लेट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज भाई, डीएसडी लिखे तो है जी, लिख तो दिए यहाँ पे एक्सएसडी रजिस्टर क्या होता है आप बताइए? रजिस्टर सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही हाई स्पीड होता है। रजिस्टर इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू जब कभी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी का यूज करता है एड्रेसेस को, डेटा को टेम्पोररली होल्ड करने के लिए, ठीक है। अलग अलग टाइप का आप लोग रजिस्टर पढ़े होंगे, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR हो गया, PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। PC का क्या काम है आप बताइए? PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या काम होता है सर? बताएं सर। हाँ बताइए सर। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर सर होता है ना, कि जो इंस्ट्रक्शन अगला एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस को होल्ड करता है। उसको प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड करके रखता है कौन? प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। IR का क्या काम होता है आप बताइए? IR कोई बता सकते हैं? एनीवन? आप लोग सब रिवीजन नहीं करते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए IR। सर 01 के फ्लैग को वो दिखाते हैं। हम अभी सब सारे रजिस्टर को एक बार बताए थे, रजिस्टर बताए थे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सर। हाँ, बता देते रजिस्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर।
इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनबिल्ट लिख देते हैं इनबिल्ट मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू के पास भी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर। ठीक है, ये तो इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर या इनबिल्ट मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। सारे रजिस्टर के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर बता, तब आएंगे फ्लिप फ्लॉप। देख लीजिए, नोट डाउन कर लिए। इनबिल्ट मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। या बोलते हैं हम लोग इंटरनल मेमोरी टू द सीपीयू इज कॉल्ड रजिस्टर। देखिए डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर। पहला होता है एम ए आर, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसको लिख देते हैं, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव लोकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी के एक्टिव लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके कौन रखता है, एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट होता है एमबीआर, मेमोरी लोकेशन बफर रजिस्टर। ये क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी के किस लोकेशन से डेटा फेच करना है और किस लोकेशन पे स्टोर करना है, यानी करने का मतलब एमबीआर जो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, वो प्राइमरी मेमोरी के किस लोकेशन पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होनी है उसका एड्रेस कौन रखता है, एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर। इट होल्ड द एड्रेस of memory where read and write operation has to be performed. Read or write operation कहाँ पे perform होना है उसका address कौन रखता है, MBR, memory बफर रजिस्टर। ठीक है, लिख लो मिटा दें।
रीड एंड राइट ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म। मेमोरी के किस लोकेशन पे रीड ऑपरेशन होना है, कहाँ पे राइट ऑपरेशन होना है, उसका एड्रेस कौन रखता है? एमबीआर। नेक्स्ट रजिस्टर होता है आपका एसी। एसी इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नहीं, ये क्या करता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट होता है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो होता क्या है, पढ़े होगे तुम लोग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, पढ़े होगे ना? सीपीयू जब कभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक साइकिल होता है। पहला क्या होता है? फेच इंस्ट्रक्शन। सर फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, कोड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखो इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है ओपी कोड और एक होता है ऑपरेंड और एक होता है मोड। ओपी कोड बताता है व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म, और ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ? डेटा। ऑपरेशन किस पे होगा? डेटा पे ही होगा ना। तो तीसरा होता है नेसेसरी ऑपरेंड, गेट नेसेसरी ऑपरेंड। उसके बाद होता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड द इंस्ट्रक्शन। नहीं रुक जाओ, अभी बता रहे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। फाइनली होता है आउटपुट ऑब्लिक स्टोर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट ऑब्लिक ये आपका इंस्ट्रक्शन है। कहां से? उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है कौन? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट होल्ड रिसेंटली फेच इंस्ट्रक्शन। अभी रिसेंट में जो इंस्ट्रक्शन फेच करके लाया गया, एड्रेस को नहीं रखता है, नॉट एड्रेस। क्या रखता है? उस इंस्ट्रक्शन को रखता है कौन? आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट होता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, which is executed next by the CPU. ठीक है, ये next instruction का address रखता है जो कि CPU के द्वारा क्या होने वाला है? Execute होने वाला है। It holds the address of next instruction which is executed by the CPU. टाइप ऑफ रजिस्टर
देख लिए। चलिए आप देखते हैं, हम लोग ये मेमोरी हायरार्की आपको बता रहे थे। अच्छा, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। गुड। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इसका मतलब होता है कि सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन को अभी एग्जीक्यूट किया है उसी इंस्ट्रक्शन को फ्यूचर में दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये वास्तविक बात है, आप लोग पढ़े हो लूपिंग में। लूपिंग में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वही इंस्ट्रक्शन क्या होता है, चलते रहता है। इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन जैसे जैसे हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे तो कुछ चीजें इंक्रीज होता है, कुछ चीजें डिक्रीज होता है। स्पीड बढ़ेगा। स्पीड क्या होता है? बढ़ता है इंक्रीज स्पीड। मतलब एक्सेस टाइम लो होता है, लो एक्सेस टाइम। जितना एक्सेस टाइम लो होगा वही अपने लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है। डिक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज स्टोरेज कॉस्ट पर बिट। स्टोरेज कॉस्ट पर बिट क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। नहीं नहीं, इंक्रीज टॉप टू बॉटम है ना, इंक्रीज करेगा। क्योंकि सबसे कॉस्टली मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर। उसके बाद क्या है? फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। डिक्रीज क्या करता है? कैपेसिटी सर। डिक्रीज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज होगा। डिक्रीज नीचे आने पर इंक्रीज। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज, स्टोरेज कैपेसिटी लिख लीजिए। सही से बोर्ड नहीं दिख रहा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ऑनलाइन आया करो भाई। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑनलाइन में है कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी एक प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लिख
क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप भी एक तरीके का क्या है? मेमोरी है, जो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, सिंगल बिट। हाँ, सिंगल बिट। फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और एक सर्किट है, जैसा कि तुम लोग देखते हो, सर्किट बनाने के लिए डिफरेंट गेट का यूज किया जाता है। सर्किट बनाने के लिए डिफरेंट गेट का यूज किया जाता है, ठीक है? कौन कौन सा गेट का यूज किया जाता है? बेसिक गेट एंड यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, यस, ठीक है। तो एक तरीके का है, जैसे सर्किट पढ़े होगे तुम लोग, सर्किट कितने टाइप का होता है? सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट होगा, इट इज ए विच हैज टू स्टेट। कितने स्टेट होते हैं इसका? टू स्टेट एंड कैन बी यूज टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन। एक ऐसा सर्किट है फ्लिप फ्लॉप, इज ए सिक्वेंशियल सर्किट विच हैज टू स्टेट्स एंड कैन बी यूज टू अ स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है? या इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए बाइनरी सेल। कैसा सेल है? बाइनरी सेल विच इज कैपेबल ऑफ वन बिट इंफॉर्मेशन। अभी बताए थे वन बिट का इंफॉर्मेशन रखता है, वन बिट इंफॉर्मेशन आइदर जीरो एंड वन। लिख लो, बुलियन फॉर्म में रखता है ना सर? हाँ, ट्रुथ टेबल ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल बनाएंगे सारे फ्लिप फ्लॉप का, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कैसा सर्किट है? सीक्वेंशियल सर्किट, इट इज ए सीक्वेंशियल सर्किट विच हैज टू स्टेट and can be used to store state information. अभी देखेंगे हम लोग types of flip flop. Types of flip flop. तो पहले पढ़ेंगे हम लोग SR flip flop. Flip flop. SR. S stands for set. पढ़ेंगे हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप, ये क्या हुआ आपका? टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखो
वो ये क्या था? टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये सर फ्लिप फ्लॉप पता नहीं क्या है? बोले लेंगे हो जाएगा। तो कितने टाइप का फ्लिप फ्लॉप देखेंगे हम लोग? फोर टाइप का। एक और होता है केजे फ्लिप फ्लॉप भी होता है, जेके का जस्ट रिवर्स। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं? सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, एक वर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टीटी फ्लिप फ्लॉप। वो बताएंगे कौन फ्लिप फ्लॉप होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट।